हेलो एवरीवन, आज है 10 सितंबर और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए और जैसे ही मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी और ये शेयर सबसे पहला होगा जो अच्छी खासी तेजी का फायदा इसको मिलेगा। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। 1,222 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में हाल फिलहाल में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1,222 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5% का ग्रोथ देखने को मिला है। एक साल की हम बात करें तो एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखिए हालांकि 4% की गिरावट लेकर जरूर बैठा है। 1,030 रुपए के करीब का यहाँ पर लो है और 1,400 रुपए के करीब का यहाँ पर हाई देखने को मिल रहा है। 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में 134% का ग्रोथ है। देखिए 490 रुपए करीब का लो है और चार्ट देखेंगे ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ये 1,400 रुपए के करीब का यहाँ पर हाई भी हमें देखने को मिल रहा है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिये 7,75,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और लार्ज कैप स्टॉक है ये। 53 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नतीजे की बात करेंगे तो उतने अच्छे डेफिनेटली है और उतने बुरे भी नहीं है। देखिए यहाँ पर जो दिक्कत थोड़ी बहुत है वो इनके प्रॉफिट मार्जिन में है। देखिए इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़ा बहुत नीचे गिर रहा है। जो प्रॉफिट मार्जिन पहले 14.58 था, बाद में वो 13.52 रहा, बाद में वो 12.32 रहा। तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत नीचे जरूर है लेकिन नेट सेल्स में आप देखिए हर क्वार्टर में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देखिए 1,32,000 करोड़ के आसपास का इसका नेट सेल है। उसी तरह मार्च 2019 में देखेंगे तो 1,55,000 करोड़ के आसपास का नेट सेल है और इस बार देखिए 1,73,000 करोड़ के आसपास का नेट सेल। नेट प्रॉफिट भी बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 10,000 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को इसके मिल रहे हैं। और अच्छी बात है, देखिए शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 47.29% है। एफआईएस के पास 24.33% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 4.56% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.10% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 16.42% की होल्डिंग है। और सबसे अच्छी बात, प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है और 92 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। 1,128 एफआईएस ने पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.96% देखने को मिल रही है। डिविडेंड हालांकि थोड़ा बहुत कम है, सिर्फ 65% का डिविडेंड है। पर शेयर आपको 6.50 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो देखिये रिलायंस इंडस्ट्रीज में इनका टेलीकॉम भी है, रिटेल भी है और तो इनका जो रिफाइनिंग का बिजनेस है वो भी है। तो सब तरीके से इनका काफी अच्छा और जिस सेक्टर में है वहां की लीडिंग पोजीशन बना के रखी है। अगर मैं गूगल पे जाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी मैं सर्च करूंगा तो आप देखिए अलग अलग इनके जो प्लान्स है। देखिए सबसे पहले योर स्टोरीज का है, 7 घंटे पहले अपलोड हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लुक्स टू इन्वेस्ट इन वेस्ट मैनेजमेंट। और तो और आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज टारगेट टू मोर रिटेल एक्विजिशन और काफी ज्यादा जो जो रिटेल को लेकर है वो भी हमें काफी अच्छी और बढ़िया न्यूज हमें देखने को मिल रही है। और तो और काफी अगर हम रिलायंस की अगर जियो की भी अगर बात करेंगे तो जियो में भी हम 45% का मार्केट कैप्चर करेंगे ये तकरीबन 2022 तक। तो ये भी अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली जो मार्केट ये लोग लेकर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी जरूर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं मनी कंट्रोल में जा रहा हूँ तो 69% बाइंग रेटिंग है, 18 सेलिंग है, 13% होल्ड रिकमेंडेशन देखने को मिली है। 19.25 का पी है इसका जबकि इंडस्ट्री पी 15.89 का है। बुक वैल्यू 624.38 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.96 की है। ईपीएस 63.47 है। डिलीवरीज 22.36% की हमें यहाँ पर डिलीवरीज देखने को मिली है। और तो और अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में देखें फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो देखिए इतनी बड़ी कंपनी है तो थोड़ा बहुत हमें कर्जा जरूर देखने को मिलेगा। तकरीबन 1,50,000 करोड़ के आसपास का इसके ऊपर कर्जा है लेकिन जैसे इन्होंने अपने एनुअल जनरल मीटिंग में कहा था कि आने वाले 18 महीनों में ये
जीरो डेट वाली कंपनी बन के दिखाएंगे, और उनका इन्होंने प्लान भी रिप्रेजेंट किया था। और अगर ऐसा होता है और अगर जीरो डेट वाली कंपनी बन जाती है तो इस मामले में कोई शक नहीं होगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अब तक का जो हाई 1407 रुपये है इसको क्रॉस कर लेगा ये। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ्यूचर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है वो बेटर दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए रिलायंस रिटेल को लेकर इनके प्लान्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, रिलायंस जियो को लेकर भी इनके प्लान्स है, ब्रॉडबैंड सेक्टर में भी अभी हमें इनकी एंट्रीज देखने को मिलेगी, और तो और जो टेली और तो और इनका जो बिजनेस है पेट्रोलियम का वो तो अच्छा खासा चल ही रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि एक स्टॉक जिस पर आप SIP कर सकते हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज डेफिनेटली एक बढ़िया स्टॉक साबित हो सकता है आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अट्रैक्टिव और काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है हाल फिलहाल की सिचुएशन में। तो एक चीज है कि गिरते हुए मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अच्छी चॉइस हो सकता है। तो देखिए आपकी मर्जी है, आपको अगर इसमें खरीदारी करनी है कि नहीं, इसका डिसीजन पूरी की पूरी तरीके से आप ही का होना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।